हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम महकार सिंह, योर इंग्लिश टीचर, क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको प्रोज में दो चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, पोएट्री में दो कंप्लीट करा दिए हैं, आपके सप्लीमेंट्री में दो चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए पोएट्री का लेसन नंबर 3 की आज हम रीडिंग लगाएं, वो प्रोज का लेसन नंबर 3 की आज हम रीडिंग लगाएंगे। चैप्टर नंबर 3 है प्लेइंग द गेम, यानी कि गेम खेलना। इसके राइटर हैं आर्थर मी, जो 1875 में जन्मे थे और 1943 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आर्थर मी की। अब अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्थर मी 21 जुलाई 1875 27 मई 1943, यानी कि आर्थर मी का जन्म 21 जुलाई 1875 को हुआ था और 27 मई 1943 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वाज अ ब्रिटिश राइटर, जर्नलिस्ट एंड एन एजुकेटर। तो ये कौन थे? ये ब्रिटिश थे। ब्रिटिश मीन्स ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज थे, ब्रिटिश अंग्रेज थे। राइटर थे, लेखक थे, जर्नलिस्ट, संपादक थे एंड इन एजुकेटर, और शिक्षाविद थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर द हार्म्सवर्थ, और ये अच्छे काय के लिए सबसे अच्छे जाने जाते थे, हार्म्सवर्थ के लिए, सेल्फ एजुकेटर यानी कि स्वयं शिक्षा के लिए, द चिल्ड्रंस एनसाइक्लोपीडिया, और देखिए बच्चों के शब्द, एनसाइक्लोपीडिया होता है विश्वकोश, यानी कि बच्चों के विश्वकोश के लिए, द चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर, और बच्चों के न्यूज़पेपर्स के लिए, यानी कि ये इनका वर्क बहुत फेमस थे, इन सब के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। हिज बुक्स बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर अमंगेस्ट चिल्ड्रन, और इन्हों की बच्चे, इनकी जो बुकें हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, बहुत प्रसिद्ध हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, ही प्रोड्यूस्ड अदर वर्क्स, और उनका अन्य वर्क भी प्रस्तुत हुआ है, यूजली विद ए पैट्रियोटिक टून, यानी कि एक पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति, टून मीन्स संगीत धुन के साथ, स्पेशली ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री और द कंट्री साइड, और देखिए स्पेशली यानी कि विशेष रूप से इतिहास सब्जेक्ट्स के लिए और कंट्री साइड देश की तरफ। द चिल्ड्रंस एनसाइक्लोपीडिया वॉज ट्रांसलेट इंटू चाइनीज एंड सोल्ड वेल इन द यूनाइटेड स्टेट्स अंडर द टाइटल द बुक ऑफ नॉलेज। देखिए द चिल्ड्रंस एनसाइक्लोपीडिया, जो बच्चों का शब्दकोश है, वॉज ट्रांसलेटेड, यानी कि ट्रांसलेट किया गया था इंटू चाइनीज, ब्रिटिश से चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट किया गया था, ट्रांसलेट। ठीक है, और काय में किया गया था, एंड सोल्ड वेल इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में वो अच्छी, ये एक बुक है, बहुत अच्छी तरीके से बेची गई थी, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में बेची गई थी अंडर द टाइटल, और जो इस बुक का जो टाइटल था वो था द बुक ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की किताब, द बुक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की किताब के टाइटल के तरह इनका जो द चिल्ड्रंस एनसाइक्लोपीडिया था वो बहुत ही पॉपुलर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अबाउट द लेसन पार्ट के बारे में देखेंगे हम। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए यंग बॉय हु सैक्रिफाइस्ड ए क्रिकेट मैच विच वॉज सो विटाल फॉर हिम टू हेल्प एन ओल्ड लीनिंग मैन रिच हिज होम। देखिए ये जो द प्लेइंग गेम है, दिस इज़ द स्टोरी, ये एक कहानी है ऑफ ए यंग बॉय, एक जवान लड़के की, हु सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मीन्स बलिदान देना, जो बलिदान करता है एक क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच को सैक्रिफाइस मीन्स बलिदान कर देना, विच वॉज सो विटाल फॉर हिम, जो उसके लिए बहुत विटाल मीन्स विशाल, बहुत बड़ा था, टू द हेल्प
सहायता के लिए एन ओल्ड लीनिंग मैन रीच हिज होम, एक बूढ़े मैन के लिए जो कि घर पर पहुंच गया था। ठीक है, द बॉय वॉज ऑन हिज वे टू स्पोर्ट्स ग्राउंड बट ड्यू टू बींग लेट ही कुड नॉट पार्टिसिपेट इन ए क्रिकेट मैच। द बॉय लड़का वॉज ऑन हिज वे अपने रास्ते में टू स्पोर्ट्स खेल के ग्राउंड बट ड्यू टू यानी कि जो लड़का था वो अपने खेल के रास्ते में जो ग्राउंड में यानी कि क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, एक ग्राउंड में खेला जाता है, ग्राउंड में क्रिकेट फील्ड में। ठीक है, ड्यू टू बीइंग लेट ही कुड नॉट पार्टिसिपेट, तो वह क्या हुआ, एक लेट आया जो उसमें पार्टिसिपेट यानी कि भाग नहीं ले सका इन ए क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच में यानी कि लड़का जो अपने रास्ते में किसी प्रॉब्लम से किसी भी वजह से लेट हो गया और जो खेल में भाग नहीं ले सका, पार्टिसिपेट नहीं कर सका। येट ही वॉन ए बैटर ट्रॉफी, येट फिर भी ही वॉन वह जीता ए बैटर ट्रॉफी, एक बहुत अच्छी ट्रॉफी। लेट्स फाइंड आउट हाउ इट हैपेंस, लेट्स फाइंड आउट, चलो अब हम पाते हैं हाउ इट हैपेंस, यह घटना कैसे घटी। ठीक है, टेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हम जो प्लेइंग द गेम है इसकी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ, एलन्स की मदर उसे गेट तक विदा करने आई। गुड बाय एलन, डू योर बेस्ट, आप अपना सबसे अच्छा करना यानी कि अपने वर्क पर अब सबसे जो जितना अच्छा तुम खेल सकते हो उतना अच्छा खेलना। सी कॉल्ड आउट, उसने उसे बाहर पुकारा। आई शैल ट्राई मम्मी, उसने कहा कि मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा मम्मी। आंसवर्ड एलन, एलन ने उत्तर दिया। वॉज वेविंग हिज हैंड ही रेन आउट ऑफ द गेट, एंड वेविंग हिज हैंड ही रेन आउट द गेट एंड अप द रोड, और वह अपने गेट से निकला और रोड पर पहुंच गया। ठीक है, घर से निकला और रोड पर पहुंच गया। डू हिज बेस्ट, अपना सबसे अच्छा करना, ऑफ कोर्स वास्तव में ही वुड, वह करना चाहता था। ठीक है, फॉर एलन वॉज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच एंड वॉज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले, और देखिए जैसे ही वह अपने स्कूल में खेल रहा था सभी उस पर प्राउड करते थे यानी कि अभिमान करते थे क्योंकि वह बहुत अच्छी तरीके से एक चुना चूजन टू प्ले यानी कि वह अच्छी तरीके से उस क्रिकेट में उस प्ले में बिल्कुल चुना हुआ था, चुना हुआ यानी कि जैसे कि हम एक अच्छी प्लेयर को चुनते हैं, एलन एक वैसे ही प्लेयर था तो बहुत अच्छी तरीके से चुना गया था और सभी को उस पर क्या था, प्राउड था, अभिमान था। ही हैड प्रैक्टिस्ड बॉलिंग विद हिज फादर फॉर वीक्स नाउ एंड डैडी सेड ही वॉज सेपिंग वेल, और देखिए वो क्या कर रहा था, अपने माता अपने पिताजी के साथ बॉलिंग की क्रिकेट कर रहा जो बॉलिंग की जो है प्रैक्टिस कर रहा था काफ़ी सप्तों से। एंड डैडी सेड, और उसके पिताजी ने कहा था ही वॉज सेपिंग वेल के वह अच्छी तरीके से खेलेगा, वह अच्छा करेगा। ठीक है, डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड एज एलन ओवर द मैच एंड ही प्रोमिस्ड दैट इफ एलन साइड वॉन ही बोर्ड बाय हिम ए बाइसिकल, और देखिए एलन के पिताजी ने उससे प्रॉमिस किया था यदि वह अच्छी तरीके से खेलेगा और वो जीत जाता है तो वो उन्हें एलन को एलन के पिताजी एक साइकिल लेके देंगे, बाइसिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा नहीं।
और इस वीडियो को जो है लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को सेंड करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो मैं समझा रहा हूँ, इसे पढ़ा रहा हूँ, इसे आप इसका लुत्फ़ उठाएं और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। नाउ वंडर एलन वाज एक्साइटेड। नाउ अब नो नहीं वंडर आश्चर्य से एलन वाज एक्साइटेड यानी कि अब एलन क्या था, एक्साइटेड था, उत्तेजित था। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड एलन हैड टू पास द टाइटल 3 3 cornered meadows and as he reached it he saw a very old man leaning heavily on his sticks। देखिए on his way यानी कि अपने रास्ते में, वे मीन्स रास्ता, to the sports grounds के Alan had to pass the little 3 concerns meadows यानी कि जैसे ही वह अपने उस प्ले ग्राउंड में गुजरता है, पास गुजरता है, ए लिटिल 3 कंसर्न्स मेडोज। मेडो मीन्स होता है चरागा या घास का मैदान, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, फील्ड, क्रिकेट का फील्ड। एज एंड एज ही रीच्ड इट और जैसे ही वह ग्राउंड में पहुँचता है तो ही सा ए वेरी ओल्ड मैन, वह एक बहुत बूढ़े व्यक्ति को देखता है लीनिंग हैवीली ऑन हिज स्टिक्स यानी कि जो अपनी स्टिक के सहारे चल रहा है बड़ी मुश्किल से, ठीक है, अपनी स्टिक के सहारे, क्योंकि बुढ़ापे में लोग जो हैं स्टिक छड़ी के सहारे ही टहल पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एज एलन पास्ड द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम जैसे ही एलन उसके पास से गुजरा तो ओल्ड मैन ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने एलन को पुकारा, कैन आई हेल्प यू क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, आस्क्ड एलन काइंडली। एलन ने उससे काइंडली मीन्स विनम्रतापूर्वक पूछा। गोइंग अप टू हिम क्या आप बाहर जाना चाहते हैं, द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, इन ए थिन यानी बहुत पतला था, क्रैकेड वॉइस मीन्स देखिए जब बुढ़ापे में आवाज़ नहीं निकलती है, जवान लड़खड़ाती है, सही से शब्दों को नहीं बोल पाती है तो उसको हम कहते हैं क्रैकेड वॉइस। रिक्वेस्टेड एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म्स उसने कहा एलन से कि आप मुझे अपनी बाहों में ले लें और मुझे जो है बाहर छोड़ दें। सैड दिस रोड इज सो हिली क्योंकि यह रोड बहुत हिली है, हिली मीन्स पहाड़ीला या पथरीला, एंड द विंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी और जो देखिए हवा है वो भी बहुत तेज़ है, जिसका हवा का वेग वो यानी कि मेरे लिए बहुत तेज़ है इस हवा का वेग, क्योंकि आंधी में जिस तरीके से हमें हवा हमें खींच के ले जाती है वैसे ही बुढ़ापे में उस बूढ़े व्यक्ति के लिए वो बहुत ही तेज़ थी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई वुड लव टू हेल्प यू सर मैं आपकी सहायता करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा सर, श्रीमान जी, सैड एलन, एलन ने कहा यानी कि एलन ने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे आपकी सहायता करके बहुत अच्छा लगेगा। फॉर ही न्यू ही कुड इजीली मेक व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट बाय रनिंग व्हेन ही लेफ्ट द ओल्ड मैन ही न्यू फॉर ही न्यू यानी कि वह जानता था ही कुड इजीली मेक
वह यह आसानी से बना सकता है। वाट टाइम उस समय ही हैड लॉस्ट वह खो चुका था। वाई रनिंग वैन ही लेफ्ट द ओल्ड मैन, यानी कि जब तक वह उस बूढ़े व्यक्ति को आदमी को छोड़कर आता वह अपने उस मैच को अपने खेल को खेल से आउट हो चुका था, बाहर हो चुका था। बट द पुअर ओल्ड जेंटल मैन लीनेड हैवीली ऑन एलन्स स्टर्डी लिटिल आर्म्स एंड टोटर्ड अलोन लाइक ए बेबी। और देखिए वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने एलन के छोटे हाथों में अच्छे तरीके से, यानी कि जब उसने उसे पकड़कर एलन ले गया था तो उसे बहुत ही अच्छा लगा, लाइक ए बेबी, एक बच्चे की तरह। सो स्लोली डिड ही वॉक दैट 5 मिनट्स हैड गॉन बिफोर दे वर हाफ वे अप द रोड, यानी कि वे सिर्फ 5 मिनट में, यानी कि उन्हें रोड क्रॉस करने में 5 मिनट लगे। एक बच्चे की भांति वो बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था, यानी कि एलन एक बच्चे की भांति उस व्यक्ति को लेके जा रहा है, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत धीमी धीमी चला जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसने एलन को उसे रोड क्रॉसने में कम से कम 5 मिनट लग गए थे, ठीक है, 5 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, कल को हम इससे आगे आपकी रीडिंग लगवाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आज हमने करा दिया, आप इसे अच्छे तरीके से एक दो बार और पढ़ें और इसका लुत्फ़ उठाएं। ओके।